हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज कर रहे हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, आज आर्टिकल 4 पे बात होगी। मेरा हार्ट दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में है। मैं बाबरी सीरीज मजबूरन कर रहा हूँ क्योंकि इस केस के जो लीगल पहलू हैं उन पर डिस्कशन नहीं हो रहा और इमोटिव इशूज पे बात हो रही है। मुस्लिम लीडरशिप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही है, एक्सट्रीम हिंदू राइट भी उसके लिए पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। पर आपको ताज्जुब होगा कि मैंने अभी तक वो जजमेंट जो 10,000 पेज का था वो नहीं पढ़ा। मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद केस पे और उस पर पढ़ के आप लोगों को कुछ उस पर बात कर रहा हूँ। बट माई हार्ट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो हमने आर्टिकल 1 देखा जिसमें कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में उनके नाम दिए हुए हैं। फिर आर्टिकल 2 की बात हमने की और आर्टिकल 2 में हमने ये कहा कि साहब एडमिशन ऑफ एनी न्यू स्टेट आर्टिकल 2 के तहत होगा। फिर आर्टिकल 3 की हमने बात की जिसमें हमने बताया कि अगर कोई नई स्टेट बननी है, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज होना है, डिमिनिश होना है, बाउंड्रीज चेंज होनी है, नाम बदलना है, तो वो बिल जो है वो स्टेट को रेफर किया जाएगा, उनके व्यूज असर्टेन किए जाएंगे और उसके बाद पार्लियामेंट उस पर लॉ इनेक्ट करेगी। अब मैं आर्टिकल 4 पे आता हूँ, लेकिन एक बात मैं फिर से एम्फेसाइज कर दूं कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 ये हमारे फेडरलिज्म का वीकेस्ट पार्ट है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये समझना कि क्योंकि आर्टिकल 1 इंडिया को कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कैन बी यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसलिए सारी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाया जा सकता। इनफैक्ट किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने नेशन के एड्रेस को और कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ये बात कही कि ये बहुत दिन तक कश्मीर को हमें यूनियन टेरिटरी बनाने का इरादा नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है और इसलिए मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूं। अब आर्टिकल 4 पे कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं हुई। 18 नवंबर को इसमें बहस हुई। इसमें सबसे पहले नजीरुद्दीन अहमद बोले। नजीरुद्दीन अहमद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े एक्टिव मेंबर थे और ये बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देते थे। अंबेडकर से इनकी अक्सर डिबेट होती थी क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी को ये राइट नहीं दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसीजंस को ओवर रूल कर दे। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक सब कमेटी थी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेन जनरल बॉडी में तय हो, ड्राफ्टिंग कमेटी को उसी को सिर्फ ड्राफ्ट कर देना था। तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने फॉर इंस्टेंस वर्ड अदरवाइज लाए वो आर्टिकल 356 में कि साहब प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो सकता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, तो उस पे नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी हैज बिकम द ड्रिफ्टिंग कमेटी। प्रीएम्बल के सिलसिले में भी मैं आपको जब प्रीएम्बल का जिक्र होगा मैं बताऊंगा कि नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि जो ड्राफ्ट प्रीएम्बल का अप्रूव हो चुका था उसमें अमेंडमेंट किए गए ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से और वो बात सही नहीं थी। तो आज जो नजीरुद्दीन अहमद ने बात कही वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि साहब ये आर्टिकल 4 में ये हमें वर्ड ऐड कर देना चाहिए जब हम ये कह रहे हैं कि एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसके बाद ये वर्ड ऐड होना चाहिए ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज उन्होंने ये बात कही कि आर्टिकल बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है और जो हमने जहां पे आर्टिकल 303 क्लॉज 1 था उस जमाने में जो डेफिनेशन क्लॉज बन रहा था इंटरप्रिटेशन का, वहां पे हम एक्सप्लेन कर दें कि आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये कहा अगर मेरी ये बात मान ली जाए तो 68 अमेंडमेंट और जो लिस्टेड हैं उनकी जरूरत नहीं होगी। एचवी कामत ने ये बात कही कि ये अंबेडकर साहब जो हैं ये किसी भी अमेंडमेंट को ऐसे ही कह देते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि उनको रीजंस देने चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा जब अंबेडकर जवाब देंगे तो वो आज रीजंस देते हैं।
फिर ये हुआ कि साहब श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने ये कहा कि दरअसल ये नज़ीरुद्दीन अहमद जो हैं ये इस तरह के अमेंडमेंट लाते हैं और ये बहुत ही छोटी बातें हैं, और जैसे कोई ट्रेन जा रही थी हावड़ा से दिल्ली और उसमें किसी का मिनी बैग खो गया, उसमें इनके सवालात के जो आंसर हैं वो सारे थे वो चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ आर्टिकल 4 पे सबसे अच्छी जो बहस हुई और जो आज रेलिवेंट है इंडिया के लिए वो की प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने। प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ज़्यादातर मुद्दों पर वो बोले हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि इनको डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी थी, ये कुछ महीने डेथ रो पे रहे हैं, इसलिए इन्होंने डेथ पेनल्टी की भी अपोजिशन की थी। अब आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने बेअंत सिंह को, जिसका जो असैसिन था, उसका उन्होंने डेथ सेंटेंस जो है वो खत्म कर दिया। अब एक तरफ सरकार कहती है कि हम आतंकवाद के ऊपर बहुत सख्ती से निपटेंगे, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर को जिस आदमी ने मार डाला, उसने उस आदमी के जो ह्यूमन बम बना था उसकी कमर पे बम बांधे थे, तो इसका मतलब इस आदमी का पूरा इन्वॉल्वमेंट उस टेरर एक्टिविटी में था जिसमें बहुत से लोग मर गए थे, और आपने उसको कम्यूट करने का फैसला कह दिया। ये जो हिपोक्रेसी होती है इससे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मुझको प्रॉब्लम है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, जितना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट बोला हूं उससे कम ही बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूं। अब आप ये देखिए कि जो शिब्बन लाल सक्सेना है ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दी हुई है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द हाउस। यहां आप स्टेट की बाउंड्रीज, स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, और वो लॉ जो आर्टिकल 4 है वो आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मेजॉरिटी के कंसेप्ट। ये जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट होगा, ये अमेंडमेंट 368 की प्रोसेस से नहीं होगा। इसीलिए अभी आपने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जब बाइफरकेशन हुआ स्टेट का 5 और 6 अगस्त को, तो पार्लियामेंट ने 368 के तहत वाली मेजॉरिटी से संविधान का अमेंडमेंट नहीं किया बल्कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया। अब ये 3-4 कंसेप्ट समझ लीजिए। जब मैं ये कह रहा हूं सिंपल मेजॉरिटी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जितने भी लोग उस वक्त हाउस में मौजूद हैं और वो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनका 50% प्लस 1। सरकार बनाने के लिए यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इसी सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है या डिफीट होता है। दूसरी मेजॉरिटी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये है कि 50% प्लस 1 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी अगर हाउस की स्ट्रेंथ 500 है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 251। सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी, कोरम चाहिए आपको 10%, तो अगर 50 लोग मौजूद हैं उनमें से 26 ने पास कर दिया कोई बिल किसी स्टेट को डिवाइड करने का, वो बिल वैलिड हो जाएगा आर्टिकल 4 के तहत। तीसरी चीज है स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान को जब आप अमेंड कर रहे हैं तो एक तो मेजॉरिटी होनी चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी अगर 500 का हाउस है तो वो 251 आपके पास वोट कर रहे हैं उस अमेंडमेंट के लिए। दूसरी चीज उसमें यह है कि ये जो वोट कर रहे हैं ये हाउस में जितने लोग मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका 2/3 होना चाहिए, यानी अगर 500 लोग हाउस में मौजूद हैं सारे के सारे मौजूद हैं तो 251 पे सिर्फ काम नहीं चलेगा बल्कि 500 जितने मौजूद हैं उनका 2/3 होना चाहिए, इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही प्रोविजन है सुपर स्पेशल मेजॉरिटी, ये है प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए आर्टिकल 61। अगर आपको प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो उसके लिए आपको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जो लोग आईएएस और सिविल सर्विसेज और पीसीएस के प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको माइंड में ये जरा मेजॉरिटी का कंसेप्ट रखना चाहिए, इस पर 1-2 सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो शिब्बन लाल सक्सेना ये कह रहे हैं कि आप स्टेट का नाम बदल रहे हैं, बाउंड्रीज बदल रहे हैं,
इसलिए आपको ये अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से करना चाहिए, यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया जो हैं और जो और लोग हैं वो भी ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट ला नहीं रहे, उन्होंने नोटिस दिए हैं। खुद शिबन लाल सक्सेना ने भी अपना अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ये वाला प्रोविजन नहीं कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी का, जैसे और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हैं ऐसे ये भी अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर चाहिए, तो आप कम से कम इसको टेम्परेरी प्रोविजन बना दें। और टेम्परेरी प्रोविजन का मतलब क्या है, देखिए फिर वही जो बात मैं 370 में कह चुका हूं कि जब टेम्परेरी होता है तो पीरियड मेंशन्ड होता है, तो यहां शिबन लाल सक्सेना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि आप फिक्स कर दें कि 10 साल 20 साल, क्योंकि अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, तो अगर रीऑर्गेनाइज स्टेट करनी है तो आप फिलहाल ये कर लें, लेकिन एक बार रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अगर हो गया तो उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट स्टेट के टेरिटरीज को डिस्टर्ब ना करे, और उन्होंने कहा स्टेट्स की टेरिटरीज को स्टेबल रखना चाहिए। इसके बाद अंबेडकर साहब ने जवाब दिया अपना, उन्होंने कहा भाई कामत साहब ने कहा कि मैं सिर्फ डिसमिस ना कर दूं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, और उन्होंने ये कहा कि ये जो एक सजेशन है कि एक्स आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात जो है ये मैंने प्रेसिडेंट में ली है, कामत साहब ने सही बात कही कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, लेकिन अगर वो जरा ज्यादा रिसर्च कर लेते तो उनको पता चलता कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही है, और वहां पे जब वर्ड आर्टिकल आया तो आर्टिकल के आगे ये वर्ड आ गया ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली अंबेडकर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कोट किया। मैं आपको बता दूं कि आपका ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही बेस्ड है, इसका सेक्शन 142A जो है उन्होंने कोट किया उसमें, और उन्होंने कहा उसमें भी ये इस तरीके से ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक्सप्रेशन आया है। फिर नजीरुद्दीन अहमद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि भाई ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए आर्टिकल 2 और 3, यानी 3 से पहले जो आर्टिकल वर्ड आया है ये ड्रॉप कर देना चाहिए। अब आप देखिए कितनी नाइस डिबेट हुई है और कितनी माइन्यूट डिबेट हुई है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। हम सलाम करते हैं अपने फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने इतनी नाइस डिबेट इस मामले पे की है। तो अगेन अंबेडकर ने यह बात कही कि यह भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रेसिडेंट देखें तो उनके सेक्शन 69 में पैराग्राफ वर्ड वहां पे यूज होता था, तो वहां पैराग्राफ डी और पैराग्राफ ई है, यह नहीं है कि पैराग्राफ डी और ई, इसलिए उन्होंने ये अमेंडमेंट भी रिजेक्ट कर दिया, और ये सारे अमेंडमेंट रिजेक्ट हुए। अंबेडकर ने जो बात कही थी वो एक्सेप्ट हुई, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो आप आर्टिकल 2 के तहत बना रहे हैं, यानी कोई नई स्टेट इंडियन यूनियन में शामिल हो रही है, या आप आर्टिकल 3 के तहत किसी स्टेट की टेरिटरी डिवाइड कर रहे हैं, कोई नई स्टेट बना रहे हैं, उसका टेरिटरी इंक्रीज कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो इसका जो असर होगा वो एक तो होगा शेड्यूल 1 पे, मैंने आपको बता दिया कि जैसे कश्मीर जो है वो नंबर 15 पे था, अब वहां से हटा दिया गया, यानी शेड्यूल 1 अमेंड हुआ, और उसका असर होगा शेड्यूल 4 पे, क्योंकि जो कितनी सीटें राज्यसभा की उस स्टेट से आएंगी वो बढ़ और घट जाएंगी। जैसे आंध्र प्रदेश की पहले ज्यादा सीटें थी, अब तेलंगाना की अलग सीटें हो गई, आंध्र प्रदेश की अलग सीटें हो गई, तो वो अमेंडमेंट शेड्यूल 1 में भी होगा और शेड्यूल 4 में भी होगा, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। अब फिर इसका जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 4 का, वो ये कहता है कि कोई भी वो अमेंडमेंट जो आर्टिकल 2 और 3 में हो रहा है उसे 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब इंद्र बेरुबारी का केस है कि बेरुबारी के मामले में इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक एग्रीमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जब एडवाइजरी ओपिनियन उसमें लिया गया आर्टिकल 143 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी टेरिटरी का सेसेशन आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं कर सकते और आप सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते। बेरुबारी में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, यानी 368 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। मैं ये समझता हूं
कि आज हमें फिर शिवबनलाल सक्सेना के सजेशन पे लौटना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि अगर हम किसी स्टेट का इस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, स्टेट की कंकरेंस नहीं ले रहे, उनके व्यूज को पार्लियामेंट जो है दरकिनार कर सकती है, तो कम से कम पार्लियामेंट अपनी प्रोसेस को जरा सा स्ट्रिंजेंट बना ले और कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो चेंज किया जाए। एक और सजेशन मेरे माइंड में आता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उनका 2/3 मेजॉरिटी जो है कम से कम उस प्रपोजल के फेवर में वोट करे, अगर हम ऐसा कोई चेंज कर रहे हैं। एक आपको यहां मैं बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, शेड्यूल अमेंड होगा, लेकिन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यह बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप आर्टिकल 13 देखें और आर्टिकल 368 देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी यह नहीं माना जाता कि वो लॉ है, यानी कोई चीज संविधान का हिस्सा बनेगी या संविधान से हटा दी जाएगी लेकिन वो लॉ नहीं मानी जाएगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वाइडली इसको शेयर करें, ट्विटर पर, फेसबुक पर हमको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।